नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ नेशनल न्यूज स्टोरी पर। मैं सोनम चट्ठा। रुक करते हैं जनपद हापुड़ का, देखेंगे जनपद हापुड़ में क्या है आज के विशेष मुख्य समाचार। पति ने की प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज स्टोरी और इस वक्त की खबर बता दें आपको जनपद हापुड़ से आ रही है, जहां पर हापुड़ में दंपत्ति के साथ लूट की घटना फर्जी निकली। कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मामले का 12 घंटे में किया पर्दाफाश। मृतक के पति ने ही अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की है। हत्यारोपी पति ने हत्या की घटना को छुपाने के लिए फर्जी लूट की साजिश रची, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्रेमिका की तलाश कर रही है। बता दें आपको कि शुक्रवार रात को मोदी नगर के आनंद विहार निवासी विकास शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि निजामपुर कट के पास बाइक सवार बदमाशों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ लूट कर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस सूचना पर एसपी दीपक फूकर, एएसपी मुकेश कुमार मिश्र समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी संजय पांडे और एसओजी टीम को घटना का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया गया। एसपी दीपक फूकर ने बताया कि मृतक के पति विकास ने पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह एक दवा कंपनी कार्यकर्ता है, जहां एक लड़की उसके अधीन काम करती है, जिससे वह प्यार करता है। इस बात का उसकी पत्नी यानी कि सोनिया शर्मा विरोध करती थी। कई बार पत्नी से इसको लेकर विवाद भी हुआ। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए विकास शर्मा ने योजना बनाई। बता दें आपको कि कार से पत्नी को मायके मिलाने लेकर आ रहा था युवक। मोहल्ला आर्य नगर हापुड़ ले जाने के लिए बैठा लिया। रास्ते में विकास ने प्रेमिका को भी बिठा लिया। मौका पाकर दोनों ने सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी। इस वक्त की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जनपद हापुड़ की है, जहां पर एक पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटकर उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जबकि मामला कुछ और ही सामने आया। पुलिस की छानबीन के मुताबिक सामने आया कि पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या की अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर। आपके साथ जो तस्वीर साझा करें देख सकते हैं क्या कुछ कहा संबंधित खबर पर अधिकारी ने, एसपी दीपक भूकर ने। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बातें कही इस खबर के संज्ञान में, तो सीधा एक नजर। क्या खुलासा की गिरफ्तारी हुई इसमें? देखिए, ये कल लगभग 8 बजे के आसपास हापुड़ नगर पुलिस को ये सूचना मिली थी। एक विकास शर्मा नाम का व्यक्ति था, उसने एक ये सूचना दी कि उसके और उसकी पत्नी के साथ कुछ अज्ञात बाइक सवार जो थे उन्होंने लूट की घटना कारित की, और इसी लूट की घटना के दौरान उसकी पत्नी की उन अज्ञात जो बाइक सवार लुटेरे थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का खुलासा किया गया है। और ये जो विकास शर्मा है यही इसका मास्टरमाइंड था, इसी ने अपनी पत्नी की जो हत्या है वो कारित की थी, और उसके बाद ये फर्जी जो लूट की सूचना पुलिस को इसने दी, और ये पूरा इसने प्री प्लान तरीके से किया गया था। इसमें जो मोटिव था इसके पीछे, इस हत्या के पीछे, उसमें विकास शर्मा का एक महिला के साथ अवैध संबंध था, उसी के चलते इसकी वाइफ के साथ इसका झगड़ा रहता था, और उसी के साथ मिलके उसने इसकी जो गला घोटकर इसकी हत्या की है। और फिर ये सारी जो फर्जी लूट की घटना जो है वो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये फर्जी घटना इन्होंने यहाँ पे दिखलाई है। हत्या में कुल कितने लोग शामिल थे सर? ये अभी तक की जो इससे पूछताछ की गई है उसमें ये इसका पति विकास शर्मा और इसकी जो महिला मित्र है वो दोनों इन्वॉल्व थे। बाकी अन्य लोग जो प्लानिंग में या फिर एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होंगे उनको भी, क्योंकि इसमें विवेचना भी प्रचलित है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं इसके मोबाइल से जो कि इन सब बातों की पुष्टि करते हैं। इसके फोन में एक डाइवोर्स एग्रीमेंट भी मिला है जो इसने अपनी पत्नी के साथ साइन कर रखा था, जुलाई महीने का है वो। उसके बारे में भी इनके परिवार के सदस्यों को, जो मायके वाले हैं उनको भी नहीं पता था। उसके साथ साथ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिसमें ये बहुत सी महिलाओं से बात करता है, कुछ वीडियोस भी मिली हैं, और इसकी जो गूगल सर्च हिस्ट्री है उसको जब हमने चेक किया तो एक आदमी को गला घोट के कैसे मार सकते हैं वो भी इसने सर्च कर रखा है, कहाँ से पिस्टल मिलता है उसकी भी इसके द्वारा सर्च की गई है, और एक आदमी को जहर जो दिया जाता है मारने के लिए वो फ्लिपकार्ट पे या किसी अन्य वेबसाइट पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मिलता है या नहीं, ये भी इसके द्वारा सर्च किया गया है। बाकी भी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं
और इसमें आगे की पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की। उसने गला घोटकर मारा था सर पति को, पत्नी को अपनी? हाँ, जो इससे पूछताछ हुई है और जो पीएम में आया है वो गला घोट के इसके द्वारा मारा गया है। और ये जब मोदी नगर से ये चला था, जो जनपद गाजियाबाद में है, वहां से ये अपनी वाइफ को लेकर चला था और इसके साथ ही इसकी महिला मित्र थी और रास्ते में ही इन्होंने इसका गला घोट के इसकी हत्या की। फिलहाल देखा आपने खबर में क्या था, आज खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य करें, साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑप्ट करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप सबसे पहले देश और दुनिया का क्या है हाल नेशनल न्यूज स्टोरी पर। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार। जय भीम साथियों, मैं आपका छोटा भाई अर्जुन जाटव, सदर जिला पंचायत, सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।